बाहरी और स्थानीय कलाकारों ने ऐसा गाया भजन अनुराग जिसे सुन भक्ति में लीन हो गए श्रद्धालु। खबर कराहल से है, जहां शनिवार की रात पालीवाल भवन पर विराजित श्री गणेश दरबार में रात्रि आरती के बाद भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दूसरे राज्य तक से भजन मंडली के विख्यात कलाकार बुलाए गए थे। वहीं कराहल के स्थानीय संगीत कलाकार रविन्द्र पाठक और पुत्र विशाल पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि वहां मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो गए। जैसे ही भजनों का सुरताल शुरू हुआ तो दरबार में मौजूद श्रद्धालु भजनों की सुन भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रात से सुबह कब होगी। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम रात 10 बजे से शुरू हुआ जो सुबह 4 बजे तक चला। संगीत में अपने विशेष रुचि रखने वाले रविन्द्र पाठक ने बताया कि ईश्वर से सीधे संपर्क जोड़ने का भजन ही एकमात्र साधन है, क्योंकि जब हम भजन में लीन हो जाते हैं तो सांसारिक मोह माया का प्रभाव हमसे टूट जाता है। हमारा पूरा चित्त भगवान के ध्यान में केंद्रित हो जाता है, अतः मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर से सच्ची लगन लगाने के लिए भजन जरूर करना चाहिए। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।